हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो जो है गूगल शीट की है। गूगल शीट में आज आपके लिए खास क्या है, आइए आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो यहां से शीट्स पे चलेंगे, यानी गूगल शीट को ओपन कर लेंगे। और यहां देखिए, ये गूगल शीट ओपन हो गया है। हम यहां पर एक ब्लैंक जो है पेज ले सकते हैं, ब्लैंक स्प्रेडशीट ले सकते हैं और ले भी लिया है, देख सकते हैं। यहां पर थोड़ा सा इसे जूम भी कर लेता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो। जरा देखिए, जो फंक्शन है, तो बहुत सारे फंक्शंस गूगल शीट में होते हैं, तो एक फंक्शन है डबल। तो क्या ये गूगल शीट में है? तो देखिए, यहाँ पे जैसे ही डी ओ यू बी एल ई टाइप करता हूँ तो डबल तो यहाँ अवेलेबल नहीं है, डॉलर है। यहाँ पर और भी फंक्शंस आप देख सकते हैं, लेकिन डबल नाम से कोई भी फंक्शन नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हम एक कस्टम फंक्शन खुद से डिजाइन करें एक फंक्शन। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, क्या क्या प्रोसीजर होगा, आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये कैसे हम गूगल शीट में अपना खुद का फंक्शन बनाएंगे। एक खुद का फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं गूगल शीट में, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, कहां चलेंगे कस्टम फंक्शन बनाने के लिए, हम एक्सटेंशन पे चलेंगे। तो ये आपको एक्सटेंशन दिखाई देगा, फिर यहां से आपको चले चलना है कहां पर। देखिए, ये दिखाई पड़ेगा आपको, एड ऑन्स दिखाई देगा, फिर मैक्रोज है, फिर ऐप स्क्रिप्ट है। तो आपको कहां जाना है, आपको जाना है ऐप स्क्रिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद एक नया सिनेरियो ऐसा ओपन होगा। आप देख सकते हैं ये किस तरीके का सिनेरियो ओपन हो रहा है और ये किस तरीके का सिनेरियो ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस तरीके का सिनेरियो आया हुआ है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कोड टाइप करना है। क्या कोड टाइप करना है, यहाँ पर हमें फंक्शन का नाम देना है। जैसे ये फंक्शन लिखा हुआ है, फिर हम यहाँ पर देंगे फंक्शन का नाम, ठीक है। तो फंक्शन का नाम हम क्या दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं डी ओ यू बी एल ई, यानी डबल हमने फंक्शन का नाम दे दिया, ठीक है। अब हमको यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम रखना है, ठीक है। हम यहाँ पे नंबर रख लेते हैं, तो ये रख लिया नंबर। और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर फंक्शन का नाम हमने दे दिया, लेकिन अब फंक्शन रिटर्न क्या करेगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, नंबर इंटू टू, यानी इसका डबल जो है ये रिटर्न करेगा। और टर्मिनेशन से ये लाइन खत्म हो जाती है, ये आपको पता ही है। तो ये लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, इसे सेव करना है, ठीक है। तो सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, ये सेव हो जाएगा। सेविंग प्रोजेक्ट यहाँ नीचे आ भी रहा है, तो ये प्रोजेक्ट जब सेव हो जाएगा तो अब वापिस यहाँ आते हैं। और यहाँ पर अब देखते हैं कि डबल नाम से कोई फंक्शन अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे प्रेस करते हैं डी, हमें यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है हमें, लेकिन यहाँ पे हम टाइप करते हैं डी ओ यू बी एल ई डबल, और यहाँ पे हम फोर करते हैं। तो फोर का डबल क्या होता है, एट होता है। तो यहाँ पर अगर हम एंटर करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये लोडिंग हो रहा है और थोड़ी ही देर में आपको आंसर देखिए यहाँ पे एट दिखाई पड़ जाएगा। तो आपको लगता होगा कि ऐसे ट्रिपल नाम से भी फंक्शन पहले से मौजूद होगा, तो नहीं, ट्रिपल नाम से कोई भी फंक्शन मौजूद नहीं है। यहाँ पर अगर आप ट्रिपल लिखते भी हैं और लिख करके यहाँ पे थ्री कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ जो है थ्री का ट्रिपलिंग आ जाएगा, यहाँ पे हैश नेम एरर आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आप सिर्फ डबल का ही यूज कर सकते हैं क्योंकि ये कोडिंग करके इसे बनाया गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये कोडिंग करा गया है और इसे बनाया गया है। तो अगर इसको ट्रिपल करना है तो आप यहाँ पे ट्रिपल कर सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज कर दीजिए, यहाँ पे ट्रिपल कर दीजिए, टी आर आई पी एल ई ट्रिपल हो गया, और इसको तीन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बस ये ट्रिपल नाम से फंक्शन तैयार हो जाएगा। कंट्रोल एस कर दीजिए सेव करने के लिए। तो अभी आ जाते हैं वापस, अब यहाँ पे ट्रिपल का यूज करते हैं, तो टी आर आई पी एल ई ट्रिपल आया यहाँ पे। अब यहाँ पे टू का ट्रिपल कितना होता है, तो यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे टू का ये ट्रिपल कैलकुलेट करके देगा, यानी टू का ट्रिपल यानी दो का तीन में गुणा होगा तो सिक्स आएगा, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे जो है फिर यहाँ पे ट्रिपल को यूज करते हैं, तो ये ट्रिपल लिखा हमने, सिक्स का ट्रिपल कितना होता है, तो यहाँ पे 18 आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 18 आ भी रहा है। तो देख सकते हैं ये इस तरीके से आप कस्टम फंक्शन डिजाइन कर सकते हैं अपना। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।